Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start learning is fun. Question answers. Question number 1. For what two reasons do animals need food? किन दो वजहों की वजह से animals को food की ज़रूरत होती है? For energy, animals को food की ज़रूरत होती है energy के लिए and to keep their bodies healthy और अपनी bodies को healthy रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए. Second is, are most humans carnivores, herbivores and omnivores? कि most humans carnivores हैं या herbivores हैं या omnivores हैं? Most humans are omnivores. ज़्यादातर humans क्या हैं? Omnivores. Third is, what are the four main types of teeth that animals have? Four type में के teeth कौन-कौन से हैं जो animals के होते हैं? Canines, incisors, molars and premolars. Fourth is, what type of teeth are important for the following types of animals? Carnivores के लिए कौन से teeth best हैं और herbivores के लिए कौन से best हैं? Carnivores have canines and herbivores have molars. Fifth is, why do some teeth have different shapes? कुछ दांतों की मुख्तलिफ शेप क्यों होती है? To help us eat different kind of food. हमें मुख्तलिफ किस्म की फूड खाने के लिए हेल्प करते हैं डिफरेंट शेप के टीथ. उसके बाद हमारे पास पजल्स हैं. ये पजल्स हम बुक से करते हैं. सबसे पहले अक्रॉस में थर्ड, used for chewing food and breaking it down. फूड चबाने के लिए और इसे ब्रेक करने के लिए कौन से टीथ यूज होते हैं? आंसर इज मोलर्स. फोर्थ, लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग फूड. वो टीथ कौन से हैं जो लार्ज भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं? आंसर इज इंसिजर्स. नाउ डाउन, हेल्प इन क्रशिंग फूड. वो टीथ कौन से हैं जो फूड क्रश करने में हेल्प करते हैं? प्रीमोलर्स. लॉन्ग एंड शार्प, गुड फॉर टियरिंग फूड. वो टीथ कौन से हैं जो लॉन्ग भी होते हैं, शार्प होते हैं, तेज होते हैं, फूड टियर करने के लिए हेल्पफुल हैं? कैनाइंस. जी बेटा, अब आपने ये अपने बुक के ऊपर पजल सारे सॉल्व फिल करने हैं, ठीक है? और उसके बाद आप ये पिक्चर मुझे एजू पेज पर सेंड करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.